चैनल पीके टीवी वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बताएंगे कि ड्रावर का धार कैसे लगाएं। सबसे पहले जो ये ड्रावर का धार है इसके हिसाब से एक सरमाई का प्लस करके हम सरमाई का काट लेंगे। फिर उसके बाद ये मार्किंग करके फिर उसके बाद इसको काट के काटने के बाद आप हल्का फेरू को लगाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इधर एरिया जो कम रहता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं हीटेक्स यूज करते हैं, तो हीटेक्स हम यूज नहीं करेंगे, इसको फेविकोल में ही लगाएंगे क्योंकि एरिया कम है और यूरो टेप सही से पकड़ेगा नहीं। तो हम कैसे करेंगे यूरो टेप बहुत ही आसानी से पकड़ लें। तो इधर की साइड को हम एकदम फिनिश कर लेंगे, ज़्यादा फेविकोल नहीं लगा रहेगा क्योंकि फेविकोल में यूरो टेप नहीं पकड़ता है। तो इसके बाद बहुत ही आसानी से तैयार से इसको हम लगाएंगे। इधर का एरिया ज़्यादा है, इधर हम नीचे का यूरो टेप पहले पका लेंगे और इधर साइड। उसके बाद एक सरमाइका का टुकड़ा जो फिनिश है उसके हिसाब से आप हल्का दबा के इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। तो ये रोटी निकलेगा नहीं और अपना काम भी हो जाएगा बहुत ही आसानी से। फिर उसके बाद रंगी से जो है जिधर बड़ा साइड रहता है उधर तो आप आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन जिधर छोटा रहता है उधर प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी हम लोग हीटेक्स और अगर सरमाइका बढ़ा है तो आप रंदी से वो रंदी का पाना कम करके बहुत ही आसानी से आप मारिए, क्योंकि ज़्यादा अगर बढ़ा के मारेंगे तो कोना टूटने का चांसेस रहता है। फिर उसके बाद ये हम दूसरे धार पर हम कटिंग करके सरमाइकों का हल्का फेविकोल लगाएंगे, ज़्यादा फेविकोल नहीं लगाएंगे। ज़्यादा फेविकोल लगाने से तो साइड में निकलता है और फिर एवरो टेप पकड़ता नहीं, एवरो टेप नहीं पकड़ेगा तो फिर गैप आ जाता है। और ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही आराम से बहुत ही प्यार से आप एवरो टेप मार सकते हैं। और उसके बाद ये हमारे पास एक सरमाइका का टुकड़ा है जिसको एक साइड हम रंदी मार के धार फिनिश किए हैं और उसके थ्रू हम आराम से लगा सकते हैं, लगाएंगे फिर। और ये हमारा जो सामने का धार है उसको हम सबसे बाद में लगाते हैं, पहले नीचे का लगाते हैं फिर उसके बाद दोनों साइड का, फिर उसके बाद टॉप पे बाद में लगाते हैं। तो बाद में लगाने से फ़ायदा क्या है, तो दिखता नहीं ऊपर से, काला काला नहीं दिखता है और बाकी धार तो किधर ना किधर से दिखेगा ही। इसमें आप आसानी से एवरो टेप मार सकते हैं, इधर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्का फेविकोल लगाएं, ज़्यादा फेविकोल लगाने से बाहर निकल जाता है वो भी, काफ़ी साफ़ करने में प्रॉब्लम होती है। ये हमारा ड्रावर का धार लग के तैयार हो गया है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।